अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां नवरात्रि शुरू होते ही मां शारदा शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रतिदिन की भांति तीसरे दिन भी श्रृंगार एवं आरती हुई, जहां हजारों की संख्या में भक्तों ने माई के दर्शन किए। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं और 1300 पुलिस जवान तैनात हैं। भारी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भक्त सीढ़ियों और रोपवे के माध्यम से माई के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले का प्रसिद्ध मैहर की मां शारदा शक्तिपीठ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लोक मान्यता है कि माता सती के गले का हार इसी त्रिकूट पर्वत पर गिरा था, जो माई हार के नाम से जाना जाता था। अब भ्रंश होकर मैहर हो गया। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु भक्त मुराद मांगने माँ के दरबार हाजिरी लगाने आते हैं। कहते हैं माँ किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती है। यही कारण रहा है कि दरबार में श्रद्धालुओं भक्तों का तांता लगा रहता है। क्या राजा क्या रंग, सभी माँ की डेहरी में माथा टेकते देखे जाते हैं। नेता अभिनेता और कलाकारों ने भी माँ डेहरी से ही विश्व प्रसिद्धि पाई है। नवरात्रि में यहाँ रोजाना कई लाख श्रद्धालु आते हैं। शासन प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के भारी इंतजाम किए जाते हैं। माँ शारदा के अमरता का वरदान प्राप्त भक्त आल्हा प्राचीन काल से लेकर आज भी रोजाना माँ की प्रथम पूजा करते हैं। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी द्वारा पट खोलने पर माँ का श्रृंगार और माँ के चरणों में पूजा के फूल चढ़े हुए मिलते हैं। प्रधान पुजारी बताते हैं कि मैहर वाली माँ शारदा की प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है। ग्रंथ बताते हैं कि आकाश मार्ग से भगवान शंकर जब माता सती की अधजली हालात में पार्थिव शरीर लेकर भटक रहे थे, तब मैहर के इसी त्रिकूट पर्वत की चोटी में माँ के गले का हार गिरा था। माँ का हार गिरने से कस्बे का नाम माईहार पड़ गया और बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे कस्बे का नाम मैहर हो गया। नवरात्रि में प्रतिदिन कई लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दरबार में मन में मुराद पाने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। जनश्रुति है कि माँ अपने हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। नवरात्रि में लाखों श्रद्धालुओं के आने के कारण भीड़ भी बनी रहती है, जिसके कारण 24 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी श्रद्धालु को माई के दर्शन नसीब होते हैं। परेशानी सहन करते हुए भक्त हर हाल में माँ के दर्शन करते हैं। शारीरिक अक्षम वृद्धि और विकलांग भक्त सैकड़ों सीढ़ियां होने से माँ के दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब रोपवे सुविधा वरदान साबित हुई है। पैदल सीढ़ी, सड़क, वैन और रोपवे से मंदिर तक जाने की सुविधा मुहैया है। सुरक्षा हेतु मंदिर के अलावा पूरे शारदा धाम में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती है। नवरात्रि के सभी दिन रोजाना माँ अपना रंग और स्वरूप बदलती हैं। पुजारी ने माँ की महिमा का बखान करते हुए बताया कि वहीं भक्तों में माँ की दीवानगी देखने को मिलती है। धनवान नेता हो या अभिनेता, सभी माँ के दरबार में माथा टेकते दिखते हैं। आला को जो आदमी जो अमरता का वरदान दे सकती है, तो वो कुछ भी करता है। दो वर्ष अभी कोविड में थोड़ा सा प्रभावित था, अभी इस वर्ष कितनी भीड़ आ रही है? वैसे बहुत भीड़ आएगी, तो उसके नवरात्र पहले से बहुत हो रही है।